हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है संडे और टाइम हुआ है 9:43 हुए हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज है संडे और टाइम हुआ है 9:43 हुए हैं अभी। आप चेक कर सकते हो 9:43 AM है, संडे का टाइम है। और मेरे को काफ़ी वर्क मिला है जो कमर्शियल वर्क होता है। और कमर्शियल वर्क का क्या मतलब होता है, जो जिस पेंटिंग को हमें बनाने के पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कमर्शियल वर्क। मेरे को मिली है 8 पेंटिंग बनाने के लिए और उसमें से मैंने 4 पेंटिंग बना रही हैं जो अभी मैं आपको दिखा। ये 4 पेंटिंग अभी मैंने ड्राई होने के लिए रखी हैं क्योंकि ऑयल कलर जो होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं सूखने में। मतलब टोटल 8 पेंटिंग्स बनेंगी, मतलब एक पेंटिंग डबल बार बनेंगी वो। और 4 पेंटिंग्स को तो बन गई हैं हमारी। अभी जो 2 पेंटिंग्स और हैं जो हमने बनानी हैं वो है, एक तो ये वाला है एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट। उसके बीच में क्या है, ताजमहल है और कुछ लेडीज जा रही हैं। ये चीज़ हमने उसमें इंडियन कल्चर शो करना है। और दूसरी जो पेंटिंग है उसमें इंडियन मैप बनेगा, बट इसके बीच में हमने ये वाला कुछ नहीं लिखना ना कुछ बनाना है, सिर्फ हमने आउटलाइनिंग करनी है और उसके बीच में कलरफुल कलर्स करने हैं हमने बस। और ये आज हम करेंगे संडे के टाइम में। और आज संडे मैंने पूरा संडे आज ये 4 पेंटिंग्स कम्प्लीट करनी है। और आप कैसे बना सकते हो कम टाइम में, मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा आपको ये कैसे मैं कर सकता हूं। इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केल्स लाने हैं। इसी पेंटिंग के ऊपर हमने 2 पेंटिंग एक साथ ही ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वो कम टाइम में ड्रॉ हो जाए 2 पेंटिंग। और सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कैनवस के ऊपर मैंने क्या किया है, ये जो मैंने कैनवस है ये मैंने फ्रेम के ऊपर लगाई हुई है। ये सिर्फ क्लॉथ है, कैनवस क्लॉथ जो होता है अलग से मिल जाता है। और ये सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर मीडियम लगाना है। जो मीडियम में लगा रहा हूँ वो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। और जो मीडियम है वो मीडियम 2 में लगा रहा हूँ, कैमल का ही। और इसका प्राइस होता है 25 रुपीज़ होते हैं ये। और ये जो पैकेजिंग है ये 2015 की है इसलिए ये सस्ता मिल रहा है, बट अदरवाइज तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली हो गया है, इसका प्राइस तो थोड़ा महंगा हो गया है। और इसको हमने डबल कोट करना है और 2 बार इसको हमने कैनवस के ऊपर अप्लाई कर देना है। और चलिए पहले कैनवस के ऊपर हम ये मीडियम कोट लगा देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ लगा देने। और जैसे मैंने ग्राफ लगाने की आपको टेक्निक बताई थी, सबसे पहले क्या करूंगा मैं ये मैप वाली पेंटिंग बनाऊंगा मैं, उसके बाद फिर ये एलिफेंट वाले करेंगे। सबसे पहले ये मैप वाली कंप्लीट करते हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके आगे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो आर्ट के रिलेटेड तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अभी आप देख सकते हो हमारा जो मीडियम कोट था इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। ये सिंगल कोट है, ऐसे ही हमने डबल कोट लगाना है, बट ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद डबल कोट करना है इसे हमें। और मीडियम कोट लगाने का क्या फायदा होता है इसके ऊपर, कैनवस के ऊपर जो हमारे कलर होते हैं वो कम लगते हैं और जो कलर हमारे स्मूथली चलेंगे इसके ऊपर, कैनवस के ऊपर ड्राई से नहीं चलेंगे। और ये मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है और एक पेंटिंग यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। पेंटिंग्स को वॉल के ऊपर लगाने के लिए मेरी मम्मा जी ने हेल्प की एंड ऑलवेज हेल्प मी, थैंक्स मॉम। ओके, पेंटिंग्स अभी लग गई हैं
वॉल्स के ऊपर सूखने के लिए, और हमारी जो कैनवस थी वो भी तकरीबन ड्राई हो गई है। तो फिर इसके ऊपर भी हम आगे काम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने ग्राफ लगा के दोनों मैप ड्रॉ कर लिए हैं, और अब हम करते हैं इसमें ऑयल कलर शुरू।